8MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नरसी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। यूपी के जौनपुर जिले से दिल को दहला देने वाला एक मामला सामने आ रहा है। यहाँ पर एक कारोबारी ने अपने पूरे परिवार की हत्या करने के बाद खुद भी फंदे से लटक कर जान दे दी। ये घटना मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के जयरामपुर गांव में हुई। घटना की जानकारी जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैली तो जिसने सुना सन्न रह गया। देखते देखते सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही जौनपुर SSP डॉक्टर अजय पाल शर्मा अपने मातहत अफसरों और कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जिस घर में घटना अंजाम दी गई उस घर को चारों तरफ से सील कर दिया है। जयरामपुर निवासी नागेश विश्वकर्मा वहीं के कठियाओं मार्ग पर टेंट हाउस चलाता है। बुधवार सुबह जब नागेश के घर का दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों ने फोन करके उसके चचेरे भाई सोनू विश्वकर्मा को इस बारे में बताया। नागेश के घर पहुंचे उसके भाई ने जब दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर देखा तो सन्न रह गया। घर के कमरे में चारपाई पर नागेश की दो बेटियां 12 वर्षीय निकिता, 3 वर्षीय आयुषी तथा 5 वर्षीय पुत्र आदर्श का शव पड़े थे। इसी से कुछ ही दूरी पर पड़ी एक फोल्डिंग पर नागेश की 35 वर्षीय पत्नी राधिका का शव पड़ा था। पास ही में 37 वर्षीय नागेश का शव फंदे से झूल रहा था। हैरान परेशान सोनू ने तुरंत इसकी जानकारी यूपी 112 को दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। घटना के संबंध में प्राथमिक रूप से मिल रही जानकारी के मुताबिक पत्नी राधिका के सिर पर कई गंभीर चोटें पाई गई हैं, जबकि बच्चों के गले घोटे गए हैं। इसी के साथ सबको लोहे की रॉड से भी मार मार कर लहूलुहान किया गया है। फिलहाल इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस बल के अलावा डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, स्वाट, साइबर सेल आदि टीमें मौके पर मौजूद हैं। शव को PM के लिए भेजा गया है। पुलिस इतनी बड़ी घटना क्यों हुई इसकी वजह जानने में जुट गई है। इस घटना को लेकर जौनपुर के SP सिटी शैलेंद्र कुमार सिंह ने क्या बताया, आप भी सुने। क्या घटना घटी सर, 5 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर। ये दिनांक आज 5 जुलाई को लगभग 10 बजे के आसपास एक सोनू विश्वकर्मा है जो मृतक नागेश विश्वकर्मा के चचेरे भाई हैं। इन्होंने डायल 112 को ये सूचना दी कि उनके जो चचेरे भाई नागेश विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ अंदर कमरे में उन्होंने अपने 3 बच्चों, अपनी पत्नी की हत्या करके और स्वयं फांसी लगा लिए। इनके चचेरे भाई ने स्वयं उनके दरवाजे को उसी कुंडी तोड़ करके ये उस कमरे में प्रवेश किए थे और इन्होंने जो वहाँ हालात देखे उसकी सूचना डायल 112 में दी। तत्काल पुलिस यहाँ मौके पर पहुँची और थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और स्वयं कप्तान साहब यहाँ मौका का निरीक्षण किए। फील्ड यूनिट और अन्य टीमें यहाँ आई और यहाँ प्रथम दृष्टया जो ये देखा गया कि एक बेड पर 3 बच्चियाँ, जिसमें 2 बच्चियाँ और एक लड़का, 2 बच्चियों की उम्र 12 साल 3 साल और बच्चे की उम्र 5 साल है। पत्नी की उम्र लगभग 35 साल है और मृतक नागेश विश्वकर्मा की उम्र लगभग 37 साल है। 3 बच्चों के शव बेड पर पड़े हुए थे और ये पत्नी का शव बगल में ही एक फोल्डिंग चारपाई थी उस पर पड़ा हुआ था। पत्नी के सर पर भी चोटें पहुंचाई गई थी और बच्चों के जो गले हैं वो एक कपड़े से कसे गए थे और जो सिलबट्टा होता है उसका लोहे का एक मोटा बड़ा डंडा होता है उससे सर पे वार भी किए गए थे और स्वयं नागेश विश्वकर्मा इसके बाद फांसी पर वो लटका हुआ था। पुलिस ने की टीम ने और फील्ड यूनिट की टीम ने सब ने मिल करके इन सबको वहाँ से घर वालों और जो आसपास के लोग हैं उनके मौजूदगी में वहाँ से डेड बॉडी को निकाला
और साक्ष्य संकलन किए गए और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को मॉर्चरी में भेज दिया गया है। सर, ये घटना का कारण क्या था? अभी इसकी छानबीन चल रही है कि वास्तव में मृतक नागेश विश्वकर्मा ने ऐसा क्यों किया, क्या परिस्थितियाँ रही होंगी उस समय, उसकी मानसिक दशा क्या रही होगी, ऐसा क्यों किया, इसकी अभी गहराई से छानबीन अभी किया जाना बाकी है। ये विवेचना में ये सारे तथ्य समाहित होंगे और क्या सर कोई पता लगाया जाएगा। अभी सारी चीज़ें, अभी साक्ष्य सब देखे जा रहे हैं और मौके से काफ़ी चीज़ें उठाई गई हैं, काफ़ी प्रदर्श हैं, काफ़ी साइंटिफिक जो एग्जिबिट है वो मौके से फील्ड ने उठाए हैं। अभी सबका वर्गीकरण किया जाएगा, सबका परीक्षण किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्य गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड नाइन्थ रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट थर्ड रैंक इन सिटी। आवर थ्री स्टूडेंट्स अंकित कुमार विश्वकर्मा, हिमांशु मिश्रा एंड विकास आनंद गौतम गॉट सेलेक्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2023-2024। Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।